हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे, लेकिन लाइन अचानक कट गया था, बिजली गायब हो गई थी, इसीलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करा रहे थे, तो उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, तीन पार्ट की ले लिए ए बी सी, जिस पर चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोग्राम, -12 माइक्रोकूलम। अब क्या किए कि ए और बी को सटा दिए, ए एंड बी आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, हटा दिए एंड रिमूव्ड, फिर हटा दिए। अगेन बी एंड सी आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, फिर बी और सी को हटा दिए और फिर हटा दिए। इफ ए बी एंड सी आर इन आइडेंटिकल, अगर दोनों तीनों आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब हुआ तीनों समान है, तीनों की समान कैपेसिटी है, तीनों बराबर चार्ज ही रख सकता है, ठीक है, रख सकता है, रखेगा नहीं, रख सकता है, जितना चार्ज देगा उतना ही रखेगा, लेकिन बराबर चार्ज रख सकता है। खैर, बात की बात है। तो देखो, फाइंड इंडिविजुअल चार्जेज, इंडिविजुअल चार्जेज, ठीक। एक क्वेश्चन तो अभी लीजिएगा, अब उनका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर इसको मिटा दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, हम बोले थे कि ई और बी को कांटेक्ट लिया है। देखो, यह ए है, यह क्या है, बी है। ये कितना चार्ज था, 4 माइक्रोकूलम, कितना था, 6 माइक्रोकूलम। अब दोनों को कांटेक्ट लिया है, स्वाभाविक है दोनों आइडेंटिकल है, तो बाद में दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह क्यू मान लो, ये भी क्यू मान लो। अब बताओ, यह ए है, ई बी है। अब देखो, तो शुरू में कितना चार्ज था, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 4 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, अब कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, यानी कि 2 क्यू, ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो क्यू कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, डिवाइड कर दिए। अब देखो, अब ए पर कितना चार्ज हो गया, बोलो, 5 माइक्रोकूलम। बी पर कितना चार्ज हो गया, 5 माइक्रोकूलम। सी पर कितना चार्ज हो गया, जिस चार्ज था -12। ए पर कितना चार्ज हो गया, 5 माइक्रोकूलम। बी पर कितना हो गया, 5 माइक्रोकूलम। सी पर कितना था, -10। अब कहता है कि ए और बी को सटा दिए, अब सटा है बी और सी को, शायद मेरा तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको सब याद है नहीं, मान लो कि बी और सी को सटाया हमने। तो अब देखो, ये बी है और यह भी, यह बी हो गया, सी हो गया। बी पर कितना चार्ज आया है नया, 5 माइक्रोकूलम, और सी पर कितना था, -12, ठीक। अब सटा दिए, चूंकि आइडेंटिकल है इसलिए दोनों पर चार्ज बराबर चला गया, बराबर। मान लो कि यह क्यू डैश है, यह भी क्यू डैश है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्यू डैश प्लस क्यू डैश इक्वल टू कितना है, 5 माइक्रोकूलम प्लस -12 माइक्रोकूलम, यानी कि -12 माइक्रोकूलम, ठीक। घटा दिए, -7 माइक्रोकूलम, तो 2 क्यू डैश इक्वल कितना हो, -7 माइक्रोकूलम, क्यू डैश -7/2 माइक्रोकूलम, -3.5 माइक्रोकूलम। आंसर मेरा क्या हुआ, ए पर आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर, ए पर कितना चार्ज हो गया, 5 माइक्रोकूलम। अब बी पर कितना हो गया, -3.5, और सी पर कितना हो गया, -3.5। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और समझ में आ गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा, इसलिए कि हमको समझ में आना चाहिए कि यह समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो लिखो, हम मिटा देते हैं। एक नया टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। क्या नाम है, पेयर प्रोडक्शन।
तो अभी डाल दो पीयर प्रोडक्शन, यह इसको बोलते हैं मैटर ऑफ मेटेरियलाइजेशन, मेटेरियलाइजेशन। थोड़ा स्पेलिंग में बहुत ध्यान देना, जहां भी डॉट कर देंगे इसका मतलब है ये स्पेलिंग में डाउट है, वो आप लोग ठीक कर लीजिए। तो पेयर प्रोडक्शन या मैटर ऑफ मेटेरियलाइजेशन क्या होता है? देखो ये पढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक बार इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछ दिया था कि मैटर ऑफ मेटेरियलाइजेशन क्या होता है और उससे संबंधित क्वेश्चन। तो क्या होता है ये नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था क्या होता है, उसमें क्या क्या करना होता है। खैर समझने, इसको समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मास इक्विवेलेंस एनर्जी। फिर से मास इक्विवेलेंस एनर्जी, तो टॉपिक डालो या नहीं डालो, लेकिन एक नया टॉपिक डाल दो या किसी रफ में डाल दो, साइड में रफ में डाल दो, रफ में नहीं साइड, उसे कॉपी के किसी पेज में डाल दो कहीं भी, मास इक्विवेलेंस एनर्जी। अब नहीं तो इसको काट दो, इसको लिखो मास इक्विवेलेंस एनर्जी। देखो एक नाम सुनिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन EIN दो बार जोड़ दो, आइंस्टीन लगा दो, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने कहा था कि हर मैटर अपने आप में एनर्जी होता है, अपने आप में एनर्जी होता है, या एनर्जी जो है अपने आप में मैटर होता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आइंस्टीन साहब बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हर मैटर अपने आप में क्या होता है, एनर्जी। ईच मैटर या ऑब्लिक बनेंगे मास इट सेल्फ एनर्जी। और इन्हीं पर ज्यादा कंसेप्ट दिए थे, एनर्जी इज इक्वल टू mc², जहां m जो होता है मास ऑफ मैटर होता है, मास ऑफ मैटर या पार्टिकल। देखो तो इस टॉपिक का यहाँ पर जरूरत क्या है, अचानक चूंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस टॉपिक का क्या है, तो पीयर प्रोडक्शन में इसका यूज है। तो हम लोग सीधे पढ़ लें होता है, तो हम खास करके होता है नहीं पढ़ाते हैं, होता क्यों है जब तक इस समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, टफ पढ़ा है। टफ नहीं है, यह टॉपिक यहाँ का नहीं है। तो आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं कि हर मैटर, हर पार्टिकल अपने आप में एनर्जी होता है, हर पार्टिकल अपने आप में एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मास है, मास ऑफ बॉल मान लो इस बॉल 4 ग्राम का, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ दैट बॉल, ध्यान दो एनर्जी ऑफ दैट बॉल कितना हो जाएगा, देखो 4, ग्राम को बदलो केजी में, ग्राम को से कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, यानी कि 10^-3 इंटू c². ई है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, हालांकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, ये हम अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल मान लो स्पीड ऑफ लाइट है। और होता है कितना होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको जो भी गुना करेंगे ये आ जाएगा जूल में, कितना आ जाएगा जूल में, समथिंग इंटू जूल, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 50 kg के हैं, एक आदमी है कितने केजी का है, 50 kg का है, ठीक, इसके पास कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा mc², इस आदमी का मास कितना है 50 kg, 50 इंटू c², 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, इसको आगे हो जाएगा जूल। समझ में आ गया, आपके पास कोई बुक है, कोई किताब रखा हुआ है, ये मान लो कि ये भी 200 ग्राम का है, कितना का है 200 ग्राम का, मान लो कोई क्यूब है,
फिगर नहीं बनता हम क्या करें, क्यों इसका मान लो कि 200 ग्राम वजन है, 200 ग्राम वजन है कितना हो जाएगा जी बोलो, एम सी स्क्वायर, एम कितना होगा 200 इंटू मास ऑफ सॉरी सो बदल लो कौन जी में के जी में माइनस थ्री सी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन जूल में। इस एग्जाम्पल दे दीजिए, मैंने कहने का मतलब हुआ कि ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे थे आइंस्टीन साहब, कि मास एनर्जी का रूट होता है या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके इसको लिख लीजिए, देखिए जब लिख लिए एक टर्म और समझ लीजिए, एक टर्म और समझ लीजिए और क्या है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। देखो जैसे मान लो कि पॉजिट्रॉन का नाम सुना है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन नहीं सुना है, कोई बात नहीं कुछ लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो पीयर प्रोडक्शन अभी स्टार्ट, पीयर प्रोडक्शन देखो, पीयर प्रोडक्शन तो व्हेन गामा रे ये फोटोन है, क्या है फोटोन, देखो या को एनर्जी है, क्या है एनर्जी है ना, फोटोन इज अ फैक्टर ऑफ एनर्जी, एनर्जी है। देखो हम लोग पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल, तो तुम लोग एक चीज ध्यान दो गामा पार्टिकल नहीं है, गामा एनर्जी है, गामा क्या है एनर्जी है, गामा पार्टिकल बोल देते हैं गलत बात है, हम लोग गामा क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं लेकिन गामा पार्टिकल नहीं, गामा एनर्जी है। ओके तो यहाँ देखो व्हेन गामा रे यानी कि क्या फोटोन या एनर्जी स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स विथ रिजिड सपोर्ट कहीं भी जहां मानो सपोर्ट और रिजिड का मतलब दीवार पर नहीं एक्सपेरिमेंट में, देन इट स्प्लिट्स इंटू टू पार्टिकल्स वन पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल लाइक पॉजिट्रॉन दिस प्रोसेस is said to be peer production या बोल लो method of materialization ठीक है। देखो ये हम बताए क्यों, देखो क्या बताते हैं, मान लो कि ये आपका गामा है, क्या है गामा है यानी कि क्या है यह एनर्जी है, क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी, गामा के पास चार्ज नहीं हो सकता है यानी कि यह क्या होता है चार्जलेस है, क्या है चार्जलेस है, और यह किसी से स्ट्राइक किया तो ये कन्वर्ट हो कौन चीज में इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। तो यह मैटर आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर, इसको मास मास होता है, यह भी मैटर हो गया, क्या हो गया मैटर, इसमें क्या है मास है। तो बताओ एक मासलेस चार्जलेस हो गया और क्या है मासलेस, दोनों है, गामा के पास मास नहीं होता है चार्ज नहीं होता है, गामा के पास मास नहीं होता है चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया मैटर यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैटर में, एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैटर में। अब सोचो जब एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैटर में तो इसको क्या बोलेंगे पीयर प्रोडक्शन, पीयर प्रोडक्शन। सोचो यहाँ पर कितना चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, चार्ज यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, कौन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है,
इसको लिखो थोड़ा समझो, यहां पर ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ केजी, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका मास हो गया, और चार्ज हो गया ये मास, और चार्ज हो गया −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। पॉजिट्रॉन ये वो एंटी पार्टिकल ऑफ, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो कि दोनों जुड़वा भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, एक का नाम भी इलेक्ट्रॉन एक का प्रोटॉन, सब कुछ बराबर था, सब कुछ बराबर था। मास ऑफ पॉजिट्रॉन, हाँ इसका नाम क्या दिया बोलो, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन नॉट प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन का मास कितना हो गया वही 9.1 × 10⁻³ के जी, और चार्ज कितना हो गया माइनस, कर क्या कर रहे प्लस, यानी सब कुछ वही है, तो मास ही बराबर है, चार्ज बराबर है, सिर्फ चार्ज का नेचर अपोजिट है, −19 कूलम। ठीक है, तो क्या देखे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जुड़वा भाई है, एक को पार्टिकल बोलेंगे एक को एंटी पार्टिकल बोलेंगे, जिसमें दोनों का मास बराबर है, चार्ज भी बराबर है, लेकिन चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो क्या है नेगेटिव है। तो क्या देखे, तो इसको लिख लिया होगा, लिखना है, लिख लीजिएगा, सब लिखिएगा जो जहां लिखिएगा, हम लोग क्या पढ़ा रहे थे लिख लिए। तो यहाँ पर क्या देखें कि गामा जो है एनर्जी, ये एनर्जी है गामा है, ये कन्वर्ट होगा कौन सी में, इलेक्ट्रॉन में, कौन सी में होगा पॉजिट्रॉन में। ठीक, तो यहाँ देखो इनिशियल चार्ज, इनिशियल QI इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज जीरो, क्योंकि गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता है, QF बाद का चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, और अभी तुरंत पढ़ा है कि यह दोनों आपस में एंटी पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलेंगे इसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन, वो उसका एंटी पार्टिकल है, यह क्या है पॉजिट्रॉन, लिख दो पॉजिट्रॉन, लिखो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर अगर चार्ज नेगेटिव था इस पर क्या चार्ज था पॉजिटिव, और खाली क्या जीरो। तो बताने का मकसद क्या था कि एक बार इंजीनियर ने क्वेश्चन पूछा था कि पेयर प्रोडक्शन में या मैटर ऑफ मेटलाइजेशन में क्या कंजर्व होता है मोमेंटम एनर्जी, तो यहाँ क्या लिखेंगे चार्ज, यानी कि कहेंगे इट शोज पेयर प्रोडक्शन या मैटर ऑफ मेटलाइजेशन शोज कंजर्वेशन ऑफ कथी लो चार्ज। हमको इसी को सिखाने के लिए इतना कहानी कहना पड़ा है, समझे नहीं, खैर कहानी कहे लेकिन समझ में तो आ गया ना, तो बताओ लिख लीजिए। अब लिखो एक नया टॉपिक है इसी का उल्टा, एनिहिलेशन लिख लो। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या दिखा था बोलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ये क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल, यानी कि उसमें से एक पार्टिकल है दूसरा एंटी पार्टिकल, दैट इज When a particle like electron, this electron strikes a collapse, experience karega collapse with its antiparticle
कोलैप्स विद इट्स एंटी पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन लिखा दिए, एंड गिव्स एज ए रिजल्ट ऑफ रिजल्ट एज गिव्स एज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी गामा, क्या होते हैं गामा। कहने का मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एंटी पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन से प्रोटॉन अलग है और मिल जाएगा तो क्या बन लेगा गामा इनर्जी। किस नियम से? मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। कौन कहे थे? बोलो आइंस्टीन साहब, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो क्यू आई इनिशियल चार्ज क्या है, तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, तब माइनस ई प्लस ई दिख रहा है फोटो लिख दो, और क्यू एफ कितना है, बाहर का चार्ज जीरो होगा क्योंकि गामा के पास ना एनर्जी होता है ना सॉरी ना मास होता है ना चार्ज होता है। कह सकते हैं क्यू आई बराबर क्या हो क्यू एफ, यानी कि इट ऑल्सो शोज जीरो हो गया, दैट इज इट ऑल्सो शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई पूछेगा कि इन चार्ज कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताओ तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल चूंकि अलग ढंग का है इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल पूछ दिया था, सॉरी का नेगेटिव क्यूब रिपीट कर सकता है या कहीं ना कहीं रिपीट कर सकता है, तो रिपीट करे या नहीं करे हमको पढ़ाना काम है। ओके, इसको लिखो और समझो कि इसमें क्या करने होता है चार्ज, तब लोग क्या पढ़िए मास इनर्जी को बैलेंस। कोई पूछेगा कि कैसे हुआ, समझाइएगा कि आइंस्टीन साहब कहे थे कि मास अपने आप में क्या होता है एनर्जी होता है, मास अपने आप में क्या होता है एनर्जी है, एनर्जी है, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कौन लॉ दिए थे आइंस्टीन। ओके, तो उस आधार पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स के साथ कोलैप्स होगा तो क्या बनेगा एनर्जी गामा, और गामा अगर डिकम्पोज होगा तो किसमें होगा इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन में। ओके, तो लिख लो, तो हम लोग का यहाँ सब हो गया। एक देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, एनसीईआरटी में आप लोग एक से लेकर के पाँच पेज नंबर एनसीईआरटी कहीं से व्यवस्था कीजिए, एक से पाँच पेज नंबर, और शायद या कहो कि एक से लेके अप टू कूलम्स, अप टू कूलम्स लॉ लॉ रीडिंग मारिएगा। लेकिन हाँ, उसमें एक टर्म है इंडक्शन, इंडक्शन वो भी पढ़ाए हैं। देखो ये अगर ध्रुव बॉल बनाए हुए हैं, ऐसे सताए हुए हैं, बढ़िएगा नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में फील्ड के बाद, क्योंकि इंडक्शन सीधे पढ़ाना आसान नहीं है, पढ़ाएंगे तो लिख देंगे हम, उसका मीनिंग फील्ड नहीं आएगा, इसलिए ये टर्म छोड़ दीजिएगा, इंडक्शन छोड़ दीजिएगा, आपको कूलम सारा पढ़ लेना है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी बस सोचिए कि सर इंडक्शन छोड़ दिए। हाँ, एक टर्म का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्योंकि बोर्ड भी पास करना है हम लोग को बोर्ड ही पास करना है, तो टॉपिक आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख लेंगे कि चार्जेज ऑन ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड, हम समझा चुके हैं क्वांटाइजेशन। दूसरा होगा कि लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर, इसमें क्या समझाना है अब तो पढ़ना ही है ये चीज, वो आई अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर, थर्ड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी कंजर्व,
चौथा है इट इज एडिटिव नेचर, इट इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब कुछ है नहीं, यानी कि जोड़ घटाव में ये अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जोड़ घटाव में अलजेब्रा को फॉलो करेगा। दैट इज इट फॉलो अलजेब्रिक रूल्स, अलजेब्रिक रूल्स यानी कि सिंपल जोड़ घटाव पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कह के 10 कूलम प्लस 5 कूलम, तो यहाँ पर 15 कूलम, कह के नहीं 10 कूलम माइनस 2 कूलम 8 कूलम, सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। इसे मतलब पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब एक्सप्लेन भी कर दिए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जितना हम जानते हैं बहुत कम है, लेकिन हम लोग को सिर्फ उतना ही मालूम है जितना के सिलेबस में है, नहीं तो न्यूक्लियस के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। बहुत जितना जानेगा उतना कम है, जितना जानेगा उतना कम है। कितना टाइम बचा हुआ है? 26। देखते हैं 10 मिनट और। देखो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या सिंपल न्यूक्लियस, इस टॉपिक के बाद हम लोग आ जाएंगे कूलम्स लॉ में, इसमें आ जाएंगे कूलम्स लॉ में, ठीक है। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, बताते हैं कि इसको एक केमिस्ट्री में टर्म आता है कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि देखते हैं क्या आता है। देखो न्यूक्लियस, मान लो कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो टर्म केमिस्ट्री का है, लेकिन हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बहुत सारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कैसा मत लीजिए। और इसके बहुत दूर, हम पढ़ा चुके बहुत दूर पर क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम चर्चा करेंगे नहीं, इसके बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। देखो अगर हाइड्रोजन छोड़ दें, केमिस्ट्री में आप लोग बहुत विद्वान हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जनरली देखा गया कि इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा होगा किसे, प्रोटॉन से, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन पर न्यूट्रॉन ज्यादा किसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। सर पढ़ाए होंगे, कोई बात नहीं। यानी कि यहां देखो कि n बाई पी का रेशियो एक से ज्यादा होगा, तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, इसके उसको हम पढ़ाएंगे मॉडल में, अपने से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इस समझ में आ गया, इसमें कोई समझाना नहीं। समझाना क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बोलो क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ये हो गया अपना न्यूक्लियर फोर्स, क्या हो गया न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान दो फिर से, हम लोग कहां पर रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान दो कहां पर रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। कहां पर रहे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीटा होता है, गामा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। देखो हम इसे बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर कहें तो ये न्यूक्लियस स्टेबल होने के क्रम में ही अल्फा बीटा गामा का इमिशन होता है। अगर न्यूक्लियस स्टेबल होता तो वह नहीं होता। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर हम लोग आएंगे मॉडर्न, हम खुद आएंगे, लेकिन फिलहाल जान लो कि यहाँ न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। यहाँ देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। कौन लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। आपस में दो न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स, दो प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। बोलते हैं क्या? बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स।
इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स? कहने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो लगेगा, अब बाहर लग भी नहीं करेगा. फिर से शॉर्ट रेंज के लॉन्ग रेंज बोलेगा शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस के अंदर आपस में लगता है फोर्स लेकिन न्यूक्लियस के बाहर फोर्स नहीं लगता है. कहने का मतलब हुआ कि अगर एक न्यूट्रॉन को यहाँ डाल दें और एक यहाँ डाल दें तो ये न्यूक्लियस के बाहर चला गया तो वह नहीं लगेगा. एक यहाँ लग दे यहाँ रख दे नहीं लगेगा, शॉर्ट रेंज फोर्स. तो ऐसे समझो कि एक दिया ले लो, दीपक मोमबत्ती, और उसमें तुम जला दो, वो रात भर जलते रहेगा या दो घंटे जलते रहेगा. लेकिन एक अनार बम ले लो, अनार बम, अनार बम जानते हैं ना दीपावली, तो अनार बम ले लो, उसमें तुम सलाई लगा दो, एक हुर निकलेगा फिर खत्म हो जाएगा. लेकिन थोड़ा ही देर के लिए इतना जबरदस्त लगेगा कि लगेगा कि कितने सारे दिए के बराबर है. यही बात यहाँ पर है, लगेगा तो जबरदस्त लगेगा, अब बात तो लगेगा ही. इसको क्या होते हैं शॉर्ट रेंज, मतलब बहुत कम दूर में लगेगा तो बहुत जबरदस्त, उसके बाद नहीं लगेगा. ठीक, चलो. यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन. ध्यान देना ये तीनों मैग्नीट्यूड बराबर होता है. फिर से ये कौन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स. बहुत अधिक दूर में, ये कम दूर में, तो बहुत कम दूर में, खासकर इनसाइड न्यूक्लियस लगता है तो बहुत जबरदस्त लगता है, कहता है बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कोई फोर्स नहीं फिलहाल. तो बताओ ये शॉर्टेज, लेकिन मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है. अब तुम्हारे मन में आता होगा कि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, तो इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चार्ज से कोई मतलब नहीं है. यहाँ एक चार्ज है एक अनचार्ज है, फिर भी लग रहा है, अच्छी बात लगता ही है, प्रोटॉन प्रोटॉन में चार्ज. और सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियर फोर्स होता है अट्रैक्टिव इन नेचर. क्या होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, क्या होता है अट्रैक्टिव नेचर. यानी कि यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन भी अटैक कर रहा है, जान लो प्रोटॉन प्रोटॉन भी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. इस रूप में न्यूक्लियर फोर्स रूप में, इस रूप में न्यूक्लियर फोर्स रूप में. हम जान रहे हैं कि तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्स होता है, हमको पता है, लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं कि यह अट्रैक्टिव जगह है. किस जगह अट्रैक्टिव, यानी दो प्रोटॉन के दूरी को बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें, यानी कि न्यूक्लियस के घुसा दे भीतर, तो वैसी स्थिति में रिपल्सन का इफेक्ट बहुत कम जाता है और अट्रैक्शन का नहीं ज्यादा होता है. और समझो, चलिए तो एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर जैसा होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं. देखो लेकिन नेट फोर्स की बात आएगी, नेट फोर्स. तो मान लो फिजिक्स है, इसे मान लो कि यहाँ न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ठीक. नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ठीक, और प्रोटॉन प्रोटॉन है ठीक. तो इसमें सिर्फ नेचर अट्रैक्टिव, क्या है अट्रैक्टिव. ऐसे मान लो कि ये तो अट्रैक्टिव होगा ही, कौन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स. यहाँ तो फिर से बार बार रिपीट करना, ये अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियर फोर्स. लेकिन मान लो कि ड्यू टू चार्जेज कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, नहीं पता लगा फिर से, यह कौन फोर्स है अट्रैक्टिव है, किसके कारण, न्यूक्लियर फोर्स के कारण. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सर अगर कुछ हो तो होगा ना, तो मान लो कि यह एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई कौन है, एफ न्यूक्लियर फोर्स. अगर नहीं समझ में आया तो तीन बार उसको रिपीट करो बोर्ड को, यह कौन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कौन फोर्स है अट्रैक्टिव, ठीक. तो कुछ तो कम जाएगा ना, तो एफ नेट जो होगा यहाँ पर खासकर इसमें वो क्या होगा, एफ न्यूक्लियर फोर्स माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक. अच्छा तो आंसर हमको पढ़ना क्या है, लिखेंगे कि हाँ एक चीज और डालो, न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत बहुत ज्यादा तक इससे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ
इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। आई बहुत ज्यादा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से? एक बात बताना भूल गए, फिर बता देते हैं। पहली बात कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा करना शुरू कर दिए, आप इसको भूल जाइए। दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया तो है ही नहीं है, क्योंकि कहाँ ये और कहाँ ये, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पढ़ा है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ना है कि फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव है, किसी कारण न्यूक्लियर फोर्स कारण, यह बराबर होगा फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इनेट फोर्स बात कर रहे हैं, नेट फोर्स बात कर रहे हैं, और जो बड़ा होगा फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। तुम कह रहा है कि सर यहाँ पर बराबर कर रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? नेट फोर्स। समझ में आ गया? तो बताओ किसी, इसको लिख लेना, लिखो, लिख लिया। अब आते हैं फाइनल मुद्दा की बात, फाइनल मुद्दा की बात आ रहे हैं। बस दो मिनट छोड़ रहे हैं, थोड़ा दो मिनट छोड़े, घबराना मत, दो मिनट गए देखो, दो मिनट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मान छोड़ने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगता है, तब मान लो इसमें रिपल्सन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग गया। अब सोचो कि इसमें कौन लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। कौन फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसमें, एक दूसरे में क्या लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। आइए कौन फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका कौन वैल्यू है? इसीलिए यह स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा होता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स लॉ। इसलिए अब लिखिएगा, पेज नंबर जो लिखा दिया उसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, ओके, हाँ, कॉमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त को भी बताइएगा कि भाई, हाँ, एक चीज और बोलना भूल गए, आप लोग जिसको आवाज में दिक्कत होगा ईयरफोन का यूज करेंगे, साफ साफ आवाज सुनाई देगा, समझ गए? और फ्रेंड को बताइएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे कि आप अपना वीडियो रिलीज हो गया, या फेसबुक पर आप खुद समझिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जितना भी दोस्त है दूर दराज से, गांव घर के गरीब या अच्छा जो भी हो, सब भैया फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं। ओके, बाय।